नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में मंगलवार को हुई, जहां इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस बैठक में अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संजय जायसवाल, बीएस संतोष, रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, जनक राम, नंद किशोर यादव शामिल हुए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कभी भी नीतीश को धोखा देकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा को जुमला पार्टी करार दिया तथा कहा कि वह अपने उस चुनावी वादे को पूरा करेंगे जो उन्होंने 2020 में किया था। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी वादे पूरे करेंगे। मीडिया ने कभी भी भाजपा से सवाल नहीं किया कि उसने 19 लाख नौकरी देने के अपने वादे को पूरा क्यों नहीं किया है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक खास कार्यक्रम में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को फ्यूचर सोल्जर की AK-203 राइफल, आधुनिक उपकरण, असॉल्ट बोर्ड्स और बरखत बंद गाड़ियां सौंपी। इनमें नई जनरल की एंटी पर्सनल लैंडमाइंस, स्वचालित संचार प्रणाली, टैंकों के लिए उन्नत साइज सिस्टम और एडवांस थर्मल इमेजर शामिल है। देश में बने कानून को लेकर प्रधानमंत्री ने मंत्रालय को सर्कुलर जारी कर सख्त निर्देश दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि जब भी कोई मंत्रालय कानून का मसौदा तैयार करे तो कैबिनेट के सामने भेजने से पहले इसके सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करे। साथ ही जो भी नोट्स अंतर मंत्रालय परामर्श के लिए भेजा जाए उसकी प्रति PMO और सचिवालय में जरूर भेजी जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकते। CJI ने कहा कि जनता को कल्याणकारी योजना प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार को इसके लेकर कोई उद्देश्य हो सकते हैं, कल्याणकारी उपाय होने चाहिए। सोशल मीडिया पर आधार से संबंधित दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार आधार कार्ड होल्डर्स को 4.78 लाख रुपए का लोन दे रही है, जिसके बाद PIB के द्वारा इस वायरल वीडियो की सच्चाई बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह दावा बिल्कुल गलत है। केंद्र की मोदी सरकार आधार कार्ड होल्डर्स को किसी प्रकार का लोन नहीं देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की अगली कड़ी के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। अगली कड़ी का प्रसारण 28 अगस्त को होना है। इस शो में अपनी बात को साझा करने के लिए आप MyGeoWish या नमो ऐप पर लिखें या वैकल्पिक रूप से 1800-11-7800 डायल करके मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इंटरनेशनल बाजार में बुधवार को S&P BSI सेंसेक्स 5 अप्रैल को बाद पहली बार 60,000 के स्तर को फिर से पार कर चुका है। इसमें 300 अंक से अधिक की उछाल दर्ज की गई है। वहीं निफ्टी 50 अंक बढ़कर 17,900 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा था। एक्सपर्ट के अनुसार निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंचने से सिर्फ 4.3% दूर है। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दो दिन पहले यह कहा गया था कि जोहान्सबर्ग CSK में MS धोनी मेंटरशिप करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके बाद BCCI ने कहा कि जब तक महेंद्र सिंह धोनी IPL के कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर BCCI के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में है तो वह किसी दूसरे देश के लीग में कोई भी हिस्सा नहीं ले सकते। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के देशों को यह साफ कर दिया है कि रूस से तेल खरीदना उनका नैतिक कर्तव्य और दायित्व है। उन्होंने कहा कि मेरे पास $2,000 की प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। ये वे लोग नहीं है जो ऊर्जा की बड़ी कीमतों को वहन कर सकते हैं। ऐसे में यह पक्का करना मेरा दायित्व और नैतिक कर्तव्य है कि मैं उन्हें सबसे अच्छी डील करके दूं। सूर्य कुमार यादव ने खुद को एक खास तोहफा दिया है। उन्होंने 2.15 करोड़ रुपए वाली ब्रांड न्यू मर्सिडीज वेज SUV GLS AMG 63 कार खरीदी है। वाहन निर्माता का दावा है कि मर्सिडीज बेंच GLS SUV सिर्फ 6.3 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। मर्सिडीज बेंच GLS SUV की टॉप स्पीड 238 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्टर प्रकाश राज ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में एक शख्स सिगरेट पीते हुए नो स्मोकिंग का पोस्टर लगाता नजर आ रहा है। ये तस्वीर हर उस नागरिक को सोचने पर मजबूर कर देती है जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं। बता दें कि एक्टर प्रकाश राज ने इस तस्वीर को 16 अगस्त को शेयर किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मंगलवार को मेक इंडिया No. 1 मिशन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मिशन की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इस देश को इन नेताओं के भरोसे छोड़ देंगे तो हम 75 साल और पीछे हो जाएंगे। जब तक भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बना देते, हम चैन से नहीं रहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड और बीजेपी चुनाव से हटा दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया है। इस समिति में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ओम माथुर को जगह मिली है। वीवो ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो V25 Pro 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। ये हैंडसेट सिर्फ दो कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। इसके बेस वेरिएंट यानी 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 35,999 रुपए है। वहीं इसका 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट 39,999 रुपए का है। इसमें कलर रेंज करने वाला बैक पैनल और 64MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। भारत के पास वर्तमान में कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है, जिस वजह से जंग होने पर सुखोई MKI-30 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों का बमवर्षक विमान का रोल निभाना होगा। इसको देखते हुए भारत अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने के लिए रूस से ट्यूपोलेव TU-160 बॉम्बर खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। रूस का TU-160 दुनिया का सबसे बड़ा बमवर्षक विमान है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली NCR के रहने वाले एक शख्स ने दिल्ली एयरपोर्ट से अपने नोएडा के लिए कैब बुक की। ये राइड लगभग 45 किलोमीटर की थी। इसके लिए उन्हें 2,935 रुपए खर्च करने पड़े। इसको लेकर नोएडा के रहने वाले देवर्षि दास गुप्ता ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में बताया है कि कैब के मीटर ने उनसे 147.39 किलोमीटर राइड के लिए चार्ज किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस लॉन्च सिस्टम के नाम से विख्यात रॉकेट को 29 अगस्त को अपने निर्धारित उड़ान के लिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में पैड 39B पर ले जाएगी। यह एक डेब्यू आउटिंग परीक्षण होगा जिसमें कोई चालक दल नहीं है। यह 6.7 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। इसका बड़ा आकार बड़ी ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले 5 हेलीकॉप्टर पर DGCA के द्वारा 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। साथ ही ऑपरेटरों को भी 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई ऑडिट से सामने आए गड़बड़ियों के बाद किया गया था। बता दें कि 31 मई को तीर्थयात्रियों को ऊंचाई पर ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी। संचार राज्य मंत्री देव सिंह जयसिंह भाई चौहान ने यह जानकारी दी है कि पूरे झारखंड में धनबाद ही एक ऐसा जिला है जहां 100% गांवों में 100% मोबाइल व 4G कनेक्टिविटी है। पूरे राज्य की बात करें तो कुल 29,492 गांव हैं, जिनमें से 28,348 गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी है। वहीं 27,369 गांवों में ही 4G मोबाइल कनेक्टिविटी है। भारतीय डाक विभाग में 1 लाख से ज्यादा पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार के लिए केंद्र सरकार ने भर्ती की मंजूरी दे दी है। ये भर्तियां देश भर में 23 सर्कल में खाली पदों पर की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.government.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। हर घर तिरंगा अभियान की वेबसाइट पर अब तक भारतीय ध्वज के साथ 5 करोड़ से अधिक सेल्फी साझा की जा चुकी है। बता दें कि संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए इसे शानदार उपलब्धि करार दिया है। प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई को लोगों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया था। मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी JDU से NDA गठबंधन से अलग होकर RJD के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद अपनी भावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि यह बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने वकील रंजना अग्निहोत्री और सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया है। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी आशीष झा ने तरनजीत सिंह संधु द्वारा इंडिया हाउस में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने COVID-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में किसी अन्य देश की तुलना में अधिक काम किया है। दोनों देशों ने महामारी से निपटने में अपने लोगों के टीकाकरण और रक्षा के साथ ही दूसरे देशों की मदद भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को वहां के जंगलों में लगे भीषण आग तथा देश में सूखे की स्थिति से निपटने को लेकर भारत की एकजुटता प्रदर्शित की। साथ ही उन्होंने भू राजनीतिक चुनौतियों और असहनीय परमाणु ऊर्जा सहयोग को लेकर भी चर्चा की। भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त को 6 इंजनों वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासुकी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि यह एक मालगाड़ी है जिसे सुपर वासुकी का नाम दिया गया है। सुपर वासुकी की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इसमें 295 भरे हुए रेलवे वैगन जोड़े गए थे। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेज रफ्तार मालगाड़ी का वीडियो शेयर किया है और पूरी डिटेल दी है कि इतनी लंबी ट्रेन कैसे तैयार की गई है।
तिब्बत का पठार जिसे एशिया के जलमीनार के रूप में जाना जाता है, यह लगभग 2 अरब लोगों के लिए ताजे या मीठे पानी की आपूर्ति करता है। एक नए शोध में कहा गया है कि कमजोर जलवायु नीति के परिदृश्य में जलवायु में हो रहे बदलाव से क्षेत्र में ताजे पानी के भंडारण में भारी कमी आ सकती है। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में और सदी के मध्य तक उत्तर भारत, कश्मीर और पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति ठप हो जाएगी। 10 अगस्त को जिम करते समय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। बता दें कि अब राजू पर ट्रीटमेंट का असर हो रहा है, अब उनके बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें अभी कुछ दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा जाएगा और उन्हें होश में आने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू कुमार, निशा कुमारी गुप्ता, एस सिन्हा, प्रिंसी जायसवाल, बिट्टू कुमार राज, मोहम्मद नौशद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक वैसे राजनेता जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, क्या उन्हें मंत्री पद देना चाहिए? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।